चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित मात्रकों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे मात्रकों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि है? इसका आंसर है विद्युत धारा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि लंबाई व बल में प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तब शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होती है? आंसर है 4 गुना। यदि लंबाई व बल में प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में 4 गुना वृद्धि होती है। डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई नहीं है किसकी? विकृति की। बाकी दाब की, प्रतिबल की, यंग गुणांक की डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई है। बाकी विकृति की डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई नहीं है। चौथा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेस्टेड किस भौतिक राशि की इकाई है? ऑरेस्टेड चुंबकीय तीव्रता की भौतिक इकाई है। लक्स किस भौतिक इकाई की भौतिक राशि की इकाई है? प्रदीप्त घनत्व की। लक्स प्रदीप्त घनत्व की भौतिक राशि की इकाई है। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है त्वरण का। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है वाट। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए प्रयुक्त मात्रक है न्यूटन मीटर बेस टू माइनस टू, किलोग्राम बेस टू माइनस टू। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो न्यूटन मीटर बेस टू माइनस टू और किलोग्राम मीटर बेस टू माइनस टू के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? इसका आंसर है संवेग का। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। 10^-6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? 10^-5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई इनमें से कोई नहीं है। आंसर नेक्स्ट है, फ्रांसीसी मात्रकों की प्रणाली है आंसर CGS। 100 वाट के बल्ब की शक्ति CGS मात्रकों की पद्धति में क्या है? 10^-9 अर्ग पर सेकेंड। निम्नलिखित में से न्यूटन मीटर किस भौतिक राशि की SI इकाई है? आंसर बल आघूर्ण की। अगला क्वेश्चन है, तरंग की तीव्रता का SI मात्रक में पद्धति मात्रक है जूल पर सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड के बराबर। एक यार्ड SI मात्रकों के पदों में है 0.9144 मीटर। 1 डिग्री का रेडियन में मान होता है 1.745 × 10^-2 रेडियन के बराबर। 1 डिग्री का रेडियन होता है जो 1.7415 × 10^-2 रेडियन के बराबर होता है। 1 सेकंड बराबर होता है CGM घड़ी के 9,19,26,31,770 दोलन काल के बराबर। 9,19,26,31,770 दोलन के बराबर होता है 1 CGM घड़ी के बराबर, 1 सेकंड के बराबर होता है। और 1 मीटर में क्रोमियम 86 CR86 की कितनी तरंग दैर्ध्य होती है? ये होती है 16,50,763.73 तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है 4000 एम्पियर से 7000 एम्पियर के बीच में। मानक सार्वत्रिक समय निर्भर है पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः गति पर। नेक्स्ट है, माइक्रोन व सेंटीमीटर के बीच संबंध होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10^-4 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट है, 1 फर्मी बराबर होता है 10^-5 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं 10^-9 सेंटीमीटर के। 1 पारसेक इकाई होती है दूरी की, पारसेक जो इकाई होती है वो होती है दूरी की इकाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसके मापन के उपयोग में लाया जाता है? लंबी दूरी के मात्रक। नाभिकीय त्रिज्या 10^-5 मीटर कोटि की है।
इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है फर्मी में। एक मानक किलोग्राम का 5000वां भाग कहलाता है कैरेट के बराबर। वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन किया जाता है स्प्रिंग तुला द्वारा और सामान्य तुला द्वारा। वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन स्प्रिंग तुला के द्वारा और सामान्य तुला के द्वारा किया जाता है। वर्षा की बूंद का द्रव्यमान होता है 10^-6 किलोग्राम के बराबर। एक वर्षा की बूंद जो होती है उसका द्रव्यमान होता है 10^-6 किलोग्राम के बराबर होता है।